तो चलिए प्लेन फिगर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का ए देख रहे हैं। 12 का ए का ये फिगर दिया हुआ है और 12 बी में हमारा ई शेप में हमारा इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें कोई शेप हमारा कंप्लीट नहीं है। तो हम लोग प्रयास क्या करेंगे, यही छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट है कि आप ऐसा कंस्ट्रक्शन कीजिए जिसमें नंबर ऑफ फिगर्स मिनिमम हो, कम से कम हो। जैसे अगर आप इधर से करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 फिगर बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस तरह से कंस्ट्रक्शन करता हूँ अपने मन से और यहाँ पे भी इसको ज्वाइन कर देते हैं तो देखिए कितना फिगर हो गया। फिगर नंबर 1 इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिगर नंबर 2 इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा और फिगर नंबर 3 इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आपको नेमिंग करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, बस हो गया, समझ रहे हैं। इस तरह से आपको नेमिंग करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या लिखेंगे, कोई उपाय नहीं है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे इन रेक्टेंगल है, तो चलिए ए बी सी डी इसका बात कर लेते हैं। चलिए ए बी में आपको क्या पता है, देखिए लेंथ हमारे पास गिवन है, लेंथ देखिए नेमिंग कर दिया है तो टेंशन नहीं है, हम लोग बी के फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये लेंथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे ये 6 गिवन है, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा और ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। दैट मीन्स बी के इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस सी जे प्लस जे के। आप देख रहे हैं बी सी प्लस सी से जे फिर जे से के, कितना हो गया हमारे पास 6 + 5 + 6 दैट मीन्स 17 सेंटीमीटर। ओके 6 + 5 + 6 17 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया हमारा एक साइड हो गया। दूसरा साइड एल के भी दिया हुआ है, एल के दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी के इंटू एल के, दैट मीन 17 × 5 85 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। सिमिलरली नहीं लिखेंगे कुछ भी, यही लिखेंगे सिमिलरली, क्या हो जाएगा सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ उधर वाला आप देखिए ई एफ जी एच, ई एफ जी एच इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 85 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इन रेक्टेंगल है हमारे पास, देखिए ये वाला सी डी आई जे, सी डी आई जे क्या हो गया हमारे पास सी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन है और उधर से डी आई दूसरा लेंथ ब्रेथ में डी आई गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ सी डी आई जे इक्वल टू डी सी डी इंटू डी आई दैट मीन्स 3 × 5 दैट मीन्स क्या हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर, बस हो गया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर, फिगर का एरिया क्या हो जाएगा, आप लिख लेंगे एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस, आप लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया हमारे पास 85 प्लस 85 और प्लस 15 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया राइट आंसर है। ओके इस तरह से मिला देता हूँ, ठीक है,
और इसको इस तरह से मिला देता हूँ, तो फिगर कितना हो गया, 1, 2, 3 और 4, चार फिगर बना है। अदरवाइज आपके पास और कोई उपाय था तो आप दूसरे उपाय से बना सकते हैं, मैं इसी स्टाइल में बनाऊंगा। चलिए नेमिंग करना होगा, चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, यहाँ भी है एम और एन। आप नेमिंग में कोई चीज़ छोड़ नहीं देंगे इस तरह से। अब चलिए हम लोग लिखेंगे इन रेक्टेंगल, क्या है हमारे पास, ए बी सी एन, जिसको वन नंबर कहें, आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, मैं समझाने के लिए वन नंबर लिख रहा हूँ, समझ रहे हैं। चलिए हमारे पास दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और बी सी है 2 सेंटीमीटर, आप एरिया ऑफ लिख देंगे, मैं ए लिख के चल रहा हूँ आगे, 8 × 2 दैट मीन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली है, आप सिमिलरली लिख लेंगे, एरिया ऑफ दिस वन, नीचे वाला भी देखिए 4 नंबर का, एरिया ऑफ उधर से एम आई के एल इक्वल टू यही होगा 16 सेंटीमीटर। आप चाहे तो आपके स्कूल वाले टीचर अगर और इसको भी पूरे अच्छे से लिखते हैं और सिमिलरली नहीं लिखते हैं तो आप इसको चेंज आराम से कर लीजिएगा। ओके चलिए ये हो गया। अब आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट है इन रेक्टेंगल, देखिए दिख रहा है एन डी आई एम, जिसको 2 नंबर मैंने नेमिंग किया है ये वाला, इसमें देखिए क्या क्या गिवन है, ये देखिए यहाँ से यहाँ 8 है और ये यहाँ से यहाँ 6 है, तो ये बचा हुआ 2 ही होगा, ये भी 2 होगा, दैट मीन्स ये कहेंगे कि एन डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से देखिए एन से आई तक का बात कर लेते हैं, एन आई इक्वल टू 2 + 2 + 2 है, देखिए ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 2 + 2 + 2 क्या हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया, यानी एरिया हम लोग इसका फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ आप लिख लीजिएगा, क्या हो गया 2 × 6 दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए इसका बात हो गया। अब एक छोटा सा बचा है ये 3 नंबर, ये 3 नंबर जो फिगर है हमारा ये वाला, इसका एरिया बचा है, यानी लिखेंगे एंड इन रेक्टेंगल वो वाला क्या है, ई एफ जी एच। चलिए इसमें देखिए हमारे पास ई एफ, वन साइड ई एफ है 3 और नेक्स्ट साइड है एफ जी 2, तो एरिया फाइंड कर सकते हैं 3 × 2 दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। अब मेरा कंप्लीट हो चुका है सारा टुकड़ों का एक्स एरिया। अब चलिए एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर, क्या हो गया, पहला नंबर में ये है हमारा 16, तो 16 + दूसरे नंबर में 16, तो 16 + तीसरे नंबर में 6, तो 6 + चौथे नंबर में भी 6, तो 6 हो गया। बोले कोई दिक्कत है, कोई गलती क्या है क्या, नहीं ये गलती तो कर दिया ना, ये थोड़ी एरिया है, एरिया यहाँ पे है 12, तो ये है हमारा 12, इसीलिए आंसर नहीं आता। चलिए थ्री टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12 का ए और ये बी था, बी बी हो गया है। अब 13 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का है, उसको सॉल्व करते हैं।
अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 13 नंबर में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एम शेप में इस तरह का दिया हुआ है फिगर, ये किस पे बना हुआ है, तो ए पीस ऑफ वुड गिवन है आपके क्वेश्चन में कि ये एक पीस ऑफ वुड है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है कि यह 20x16 सेंटीमीटर का ये हमारा पीस ऑफ वुड है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है बिल्कुल। अब चलिए देखिए ये 20 है, समझिएगा ये हमारा 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या रहा होगा, 16 रहा होगा, 16, और आप देख पा रहे हैं कि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, फिगर से क्लियर है। देखिए 5 5 10, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा 10, 16 टोटल है, उसमें से 10 सबट्रैक्ट कर देंगे तो 6 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन जो है ये है 6, यहाँ पे भी कर लीजिए, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ना ये क्या है हमारा 6 है, बोले कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोगों को किस तरह से फाइंड करना है वो देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ और ये भी इसको इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ तो हमारा बहुत सारा फिगर बन गया। पहला फिगर हो गया 1 नंबर, ये बड़ा वाला 2 नंबर, अब यहाँ देखिए ये 3 नंबर, ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ये 4 नंबर है ना, क्योंकि ये शेडेड रीजन है, और ये बीच में एक यहाँ से यहाँ तक का ये भी एरिया बन रहा है उसको हम लोग कहेंगे 5 नंबर, ये पूरे एरिया को बोलेंगे 5 नंबर, ठीक है, ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इसका नेमिंग भी कर लेते हैं, बहुत ही मुश्किल होने वाला है नेमिंग। देखिए ए बी यहाँ पे आ जाते हैं, सी, फिर यहाँ से डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, यहाँ पे जे, के और एल, इतना बात हो गया। तो चलिए इन रेक्टेंगल ए बी के एल दिख रहा है जिसका नेमिंग हमने 1 नंबर किया है, आप समझ पा रहे हैं ये एग्जाम में नहीं लिखना होगा। चलिए ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और हमारे पास बी के पता है, देखिए बी के क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिए बी के 20 एक ही बार में दिया हुआ है तो इसमें तो बिंदास रहिए, टेंशन नहीं लेना है। एरिया ऑफ ए बी के एल इक्वल टू, मैं सिर्फ एरिया लिख रहा हूँ, आप ए बी इंटू बी के लिखेंगे इस तरह से, इक्वल टू क्या हो गया 20 इक्वल टू क्या हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सिमिलरली चलिए 2 नंबर का बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ डी ई एफ जी, ये भी क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ट्रायंगल 3 नंबर का बात कर रहे हैं, डी बी डी और यहाँ पे दिया है सी, तो बी डी सी, देखिए इसमें तीनों साइड 6 6 6 गिवन है, इसीलिए यहाँ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख लीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा बी डी सी इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a² जहाँ a क्या होता है साइड होता है, तो √3/4 और a है 6 का स्क्वायर, √3/4 × 36 ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 9, तो 9√3 cm², ये हो गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। फिर से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ये वाला लेंगे जे एच आई, सेम टू सेम 9√3 होगा क्योंकि ये भी 6 6 6 है,
इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम लोगों को देखिए, ये पूरा सैडर रीजन का एरिया फाइंड करना, इसका भी ये वाला नहीं चाहिए लेकिन ये वाला चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रेक्टेंगल इसका फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड कीजिए, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वहाँ देखिए बी डी एच जे, बी डी एच जे इक्वल टू, दिमाग लगाते हैं। देखिए ये हमारा 10 है और टोटल 20 है, तो ये वाला भी हो गया 20 माइनस 10 दैट मीन्स 10, और ये हमें पता है कि 6 है, दैट मीन्स आप समझ पा रहे होंगे कि बी डी इक्वल टू हो गया हमारा 10, ओके, और हो गया हमारा बी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया, और इधर से लेंगे डी एच, ये डी एच इक्वल टू कितना हो गया 10, डी एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 दैट मीन्स 60 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर। चलिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप देखिए किसको ऐड करना पड़ेगा और किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं ये वन नंबर ऐड करना पड़ेगा। चलिए वन नंबर का कहाँ है, ये वाला है 100 प्लस, इसको भी ऐड करना पड़ेगा 100 प्लस, ये वाला भी लेना है तो ये वाला क्या है बोलिए, इसका कहाँ है जे एच आई, जे एच आई कहाँ गया, जे एच आई का 9√3 ये लेना पड़ेगा। चलिए देखिए ये फिगर को अगर हम ले लेते हैं लास्ट में जो फाइंड किए हैं 60, चलिए इसको ले लेते हैं 60, इसमें से ये तो नहीं ना फाइंड करना है ये वाला, तो ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो -10√3। इसको आप एक बार फिर से देखिए आप समझ पाएंगे। देखिए ये जो एरिया ऑफ फिगर है इस, यही है हमारा एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू कितना हो गया हमारा 260 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आप जल्दीबाजी में ये आंसर मत लगा दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है एरिया ऑफ लेफ्ट वुड, यानी ये है हमारा सिर्फ सैडेड रीजन का जो आपको फिगर में गिवन है। देखिए ये है हमारा एम शेप में जो है वही है हमारा सैडेड रीजन, ना ये है और ना ही ये वाला पोर्शन है, और वुड है हमारा यहाँ से यहां तक। तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ लेफ्ट वुड, हम लोग इसको निकालेंगे, यही पूछा है आपसे। तो देखिए आप टोटल वुड में यानी एरिया ऑफ वुड माइनस एरिया ऑफ सैडेड रीजन, आप समझ जाएंगे। चलिए एरिया ऑफ वुड में 20 और 16 दिया हुआ है, तो 20 इंटू 16 माइनस एरिया ऑफ सैडेड रीजन कितना आया 260। चलिए ये हमारा हो गया कितना 320 माइनस 260, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका राइट आंसर है। आप समझ पा रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, ये फिगर है, देखिए 14 का ए नंबर में ये फिगर है, बी नंबर में ये फिगर है और सी नंबर में ये फिगर है, और एरिया ऑफ फिगर पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ 90 डिग्री गिवन है, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन जो है 90 डिग्री से बनने वाला ट्रेंगल, देखिए यहाँ से ये बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इससे बनने वाला ये हो जाएगा ट्रेंगल, ये कंस्ट्रक्शन है इसमें। तो लिखेंगे पहले आप गिवन में लिख लेंगे फिगर ए बी बी सी सब कुछ लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन बी डी, बी डी को ज्वाइन कर लीजिए, तो इन ट्रेंगल, ट्रेंगल बन गया हमारे पास क्या, देखिए बी सी डी, बी सी डी में देखिए बी सी डी में एरिया फाइंड कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे हम लोग इसको फाइंड करके यहाँ पे जब ये फाइंड करेंगे तो यहाँ पे कोई
फॉर्मूला नहीं लगेगा, थ्री साइड्स गिवन हो जाएगा, तो हीरोन फॉर्मूला लगा देंगे, बस बन जाएगा। चलिए, इन ट्रेंगल बी सी डी, बी डी इक्वल टू क्या होगा बोलिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं आप, लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, सी डी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, सी डी है हमारे पास 40 स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 400 और 3 का स्क्वायर 900, दैट मीन्स हो गया हमारा 2500, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर क्या हो चुका है ये वाला। तो चलिए पहले एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ बी सी डी ट्रेंगल का। देखिए जब 90 डिग्री हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, तो 1/2 बी सी इंटू डी सी इक्वल टू 1/2 बेस है 40 30, ये हमारा हो गया 15, यानी समझिएगा 600 हो गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया हमारा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, इन ट्रेंगल ए डी बी यानी ए बी डी में, देखिए ए बी गिवन है आप लिख लेंगे, ए डी गिवन है लिख लेंगे, और ये बी डी भी गिवन हो गया लिख लेंगे, उसके बाद S फाइंड करेंगे, S इक्वल टू क्या होता है सेमी पेरीमीटर, दैट मीन्स इसको सम कर लेंगे, बाय टू करेंगे, यानी क्या हो गया हमारा 170/2, दैट मीन्स 85 सेंटीमीटर ये निकला सेमी पेरीमीटर। अब एरिया फाइंड करेंगे, आप इसको नोट कर लिए होंगे, ये 50 हमारा नहीं है, ये है हमारा एरिया 600, यानी इसका एरिया फाइंड हो चुका है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, 600 आ चुका है, फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी क्या लगाएंगे, हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, आप कल के वीडियो में देखे होंगे। चलिए S, S है हमारे पास 85, तो 85 इंटू 85 माइनस 60 कर देते हैं, तो 25 फिर 25 और 35 ये होगा। चलिए देखिए ये जोड़ा लग रहा है, 85 को क्या कर सकते हैं 17 इंटू 5, इसको नहीं कुछ करेंगे, ये हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 5। देखिए 5 का जोड़ा लग रहा है, इसका लग रहा है, और ये दोनों बेचारा बच गया। चलिए क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 25 इंटू रूट अंडर 17 इंटू 7। अब ये हो गया हमारा 125 इंटू, इसका वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे और इंटू करेंगे, तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको इस मेथड से आप कर लेंगे, ओके, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। अब ये देखिए हमारे पास एरिया पहले आया है 600, तो आंसर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू, पहले 600 आया था और इस जगह जो आएगा उसको सम कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, आप इतना काम जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 14 का बी नंबर में इस तरह से फिगर गिवन है, आप देखिए, देखिए यहाँ एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल से बनने वाला ट्रेंगल के लिए क्या कंस्ट्रक्शन होगा, ये वाला कंस्ट्रक्शन होगा। इस राइट एंगल से बनने वाला ट्रेंगल के लिए कौन सा कंस्ट्रक्शन होगा, बेस और हाइट इसी को ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए ये फाइंड करेंगे और इस फॉर्मूला इसके थ्रू ये वाला फाइंड करेंगे, इसका तीनों साइड हो जाएगा, यानी इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर हीरोन लगाना पड़ेगा, और यहां तो ठीक है, ये दोनों ठीक है। चलिए क्या करेंगे, इन ट्रेंगल ए डी ई दिख रहा है, ए डी ई ये वन नंबर का, चलिए पाइथागोरस लगा लीजिए आप, बाय पाइथागोरस लिख के ए डी इक्वल टू, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं
12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 25 169 दैट मीन 13 यानी ये क्या हो गया हमारा 13 हो गया। चलिए एरिया भी फाइंड कर ही लेते हैं। एरिया ऑफ ए डी ई क्या होगा, देखिए ये बेस राइट एंगल में बेस और परपेंडिकुलर से मतलब होता है 12 इंटू 5 और 1/2 छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 30 सेंटीमीटर, इसका काम आएगा बाद में स्क्वायर। ओके फिर क्या है इन, इसके लिए देखिए इन ट्रेंगल ए बी सी के लिए देखिए ए सी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा रहे हैं 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, सेम टू सेम है 12 का स्क्वायर 5 तो इसका भी 13 सेंटीमीटर आएगा, कोई दिक्कत है, तो ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। चलिए ये इसका एरिया फाइंड करेंगे तो इसी तरह से आप फाइंड करेंगे तो इसका भी एरिया सेम होगा, आप इस तरह शॉर्टकट नहीं जाएंगे, ये 13 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, चलिए मुझे भी नहीं लगता इस तरह शॉर्टकट अच्छा। चलिए क्या हो जाएगा ए बी इंटू बी सी दैट मीन्स 1/2 ए बी है 5 इंटू 12 ये 6 हो गया दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया, यानी ये कह सकते हैं कि इसका एरिया 30 इसका भी एरिया 30। आप पूछेंगे क्या सर सिमिलरिटीज नहीं लगा सकते थे सिमिलरली कह के, तो नहीं क्योंकि इसमें 12 और 5 है यहाँ भी 12 5 है, सिमिलरली लगा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लगाई पता नहीं मेरे मन में क्या आया और हम इसको बना दिए। चलिए अब हमारे पास इस ट्रेंगल के लिए, किसके लिए इन ट्रेंगल ए सी डी के लिए भी डाटा गिवन है। ए सी डी में देखिए ए डी है हमारे पास 13, ए सी है हमारे पास 13 और डी सी भी है कितना 10। चलिए सेमी पेरीमीटर एस निकालते हैं 13 प्लस 10 बाय 2 दैट मीन्स 36 बाय 2 दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए सी डी, ए सी डी हीरो लगा दीजिए मैं डायरेक्ट लगाऊंगा 18 में एक साइड माइनस करेंगे तो 5 होगा फिर 5 होगा और 10 करेंगे तो 8 होगा। चलिए 5 का पेयर लग चुका है टेंशन नोट। चलिए ये 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 पेयर लग चुका है, देखिए 3 इस दोनों के बदले 2 इस दोनों के बदले 5 और 4 के बदले 2 ये हो गया, यानी क्या हो गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एरिया ऑफ फिगर आप लिख लेंगे, अभी बैच है इसीलिए मैं जल्दीबाजी में आप लोगों को इस तरह समझा रहा हूँ। एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले 30 आ चुका था आप लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल दिस, तो 30 प्लस 60 दैट मीन्स 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। सी नंबर में हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन कर दीजिए यहाँ से, ये स्क्वायर बन जाएगा जब इसको मिला देंगे, तो ये 8 है और इसमें साइड ही है, जब ये 8 और ये 8 है तो इसको मिलाएंगे तो ये भी 8 और ये भी 8 हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर हो गया और यहाँ पाइथागोरस लगेगा क्योंकि 3 साइड्स गिवन है। चलिए इन स्क्वायर ए बी सी ई में चलिए एरिया डायरेक्ट फाइंड करते हैं, 8 का स्क्वायर दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस बहुत आसान है, आप लैंग्वेज लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। इन ट्रेंगल सी डी ई दिख रहा है, हाँ देखिए सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डी ई इक्वल टू भी 5 सेंटीमीटर है और सी ई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 8 बाय 2 दैट मीन्स 18 बाय 2 दैट इज 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर आपका आ चुका है सेमी पेरीमीटर। अब चलिए हीरोन फॉर्मूला से एरिया फाइंड कर लेते हैं, 9 इंटू 9 में एक साइड 5 माइनस करेंगे तो 4, फिर 5 माइनस करेंगे तो 4 और फिर 8 माइनस करेंगे तो 1, चलिए ये तो पूरा ही इजी है, ये 9 है तो 3, 4 है तो 2,
4 है तो 2, क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, बस हो गया है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू, पहले कितना आया है 64, तो 64 प्लस 12 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 76 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। 76 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर है या नहीं है, बिल्कुल आंसर है। सेंटीमीटर या मीटर, यूनिट पे आप ध्यान नहीं देंगे, मैंने सेंटीमीटर से बना दिया, हर जगह सेंटीमीटर था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मीटर में चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ मीटर लिख लीजिएगा, स्लाइटली मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, कह रहा है ए मैन बाउट रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, ठीक है। कह रहा कि द प्लॉट इज 30 मीटर डीप है एंड 15 मीटर इन फ्रंट है। अब आप देखिए, एक प्लॉट खरीदा है तो प्लॉट तो इसी तरह का होगा, है ना, ये प्लॉट रहा होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे डीप जो वर्ड दे दिया है ना, यही आपका कन्फ्यूजन है। तो कोई भी प्लॉट कैसा रहता होगा अगर जिसमें डीप है और उसका फ्रंट व्यूज दिया हुआ है, दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि दो साइड दिया हुआ है, इसका मतलब वो रेक्टेंगल है और वो लेंथ और ब्रेथ है। तो हमने ये सपोज कर लिया कि ये प्लॉट है और इसका 30 मीटर इधर है और ये 15 मीटर इधर है। आप कहेंगे कि सर बड़ा गंदा फिगर बना है, ये ऐसा रहा होगा ना 15 कम, ठीक है। अब चलिए, कर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द टाउन He has to leave vacant 3 meter in front. देखिए front कितना था 15 meter, तो vacant छोड़ना है 3 meter. चलिए 3 meter आपको front तरफ से vacant छोड़ना है, छोड़ देंगे, ठीक है। 3 meter in back, front पे भी 3 meter और back में भी 3 meter. और कह रहा है कि दोनों तरफ आपको 2 मीटर ईच साइड में भी छोड़ना है वैकेंट, यानी 2 मीटर आपको साइड में भी छोड़ना है। यानी मैं कहूँगा कि इस तरह से 3 मीटर इधर ले लो, 3 मीटर इधर ले लो, और बगल में 2 मीटर ले लो, बगल में 2 मीटर ले लो। यानी मैं ये कहूँगा कि ऐसा फिगर आपका बनेगा, आप समझ रहे हैं, यही फिगर है, ठीक है। देखिए ये फिगर है, ये है। अब ये कह रहा था ना कि फ्रंट से इधर से 3-3, यानी ये यहाँ से यहाँ 3 है और यहाँ से यहाँ 3 है। तो आप बताइए कि टोटल यहाँ से यहाँ 30 और इधर से 3 घट गया, इधर से भी 3, तो ये वाला जो पोर्शन रहा होगा ना, 3 2 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। बोले होगा कि नहीं, बोले हाँ। अब देखिए इधर से 2 है और इधर से भी 2 है, तो ये देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 15 है, 2 2 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन क्या रहा होगा, 11 रहा होगा। नूतन शाह कह रही है गुड नाइट, बिल्कुल गलत बात, अभी आप मेरा लाइव सेशन देखिए, है ना, उसके बाद गुड नाइट कहिएगा। इतनी बातें हो गई, अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑन विच ही कैन कंस्ट्रक्ट हिज हाउस, यानी अब उसको बिल्डिंग बनाना है इतना वाला पोर्शन में, ओके। तो आप बताइए क्या करेंगे, बोलिए। मैंने कहा था कि ये बहुत ही इजी चैप्टर है, क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आउटर साइड, और आउटर साइड कैसा होगा हमारा, रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर होगा, है ना। तो लेंथ का इतना है हमारे पास 30 मीटर है, तो ब्रेथ, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 मीटर। तो बस एरिया फाइंड कर लेंगे, बोलिए कोई दिक्कत है, एरिया इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। चलिए दैट इज 15 इंटू 30, लेंथ ऑफ इनर साइड, इनर साइड का लेंथ आप समझ चुके हैं कि आपको लेंथ के लिए 30 में ये 3 और ये 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 3 + 3 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से ब्रेथ,
ऑफ इनर साइड इक्वल टू, या आप लैंग्वेज अपने मन से लिख लेंगे, है ना। देखिए कितना हो जाएगा, 15 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या कह रहा है, एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ इनर साइड ऑफ प्लॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 इंटू 11। सही था, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6 और ये हमारा हो जाएगा 2। तो 226 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या है, ये इनर एरिया है और यही पूछा हुआ है, तो यही आपका आंसर है। बता रहा है कि द डायमेंशन ऑफ स्क्रीन, ठीक है, द डायमेंशन ऑफ स्क्रीन ऑफ फ्लैट टीवी है आपके पास। वाह क्या बात है, ये इसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है, इस तरह का आपके पास टीवी है और ये दिया हुआ है 19:60 का, ठीक है, 19:60। कह रहा है कि द स्क्रीन हैज़ 4 सेंटीमीटर ब्रॉड बाउंड्री ऑल अराउंड, है ना, और इसके चारों तरफ स्क्रीन इतना है और इसके स्क्रीन बाउंड्री है इसके चारों तरफ, इस तरह का बाउंड्री है, ये टीवी है और इसके चारों तरफ इस तरह का बाउंड्री बना हुआ है। देखिए सेम वही बात होगा कि इनर पोर्शन ऑफ टीवी, यही लिखेंगे, लेंथ ऑफ इनर पोर्शन या पार्ट, पोर्शन नहीं होगा पार्ट होगा, पार्ट ऑफ टीवी, या फिर यहां पे इसी के बदले लिखा है स्क्रीन, है ना, तो स्क्रीन ऑफ टीवी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास लेंथ है तो 90, उसी तरह से ब्रेथ ऑफ इनर स्क्रीन ऑफ टीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। तो एरिया फाइंड कर लीजिए, क्या फाइंड कर लीजिए, एरिया ऑफ स्क्रीन इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 90 इंटू 60, ये क्या हो गया, 5400 सेंटीमीटर था, बिल्कुल सेंटीमीटर रहा। आपने क्या किया, इसका एरिया फाइंड कर लिया, ये स्क्रीन है और ये हमारे आया है 5400, ठीक है। पहले आउटर एरिया निकाल लो, ये वाला, और ये वाला हटा देंगे तो बाउंड्री बचेगा, बोले ऑब्वियस है, ये हम लोग आउटर पूरे का निकाल लेंगे और इसमें ये इनर वाला, ये वाला 5400 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाउंड्री बचेगा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ टीवी विथ बाउंड्री, क्या लिखेंगे, टीवी विथ बाउंड्री इक्वल टू, बोले लेंथ 90 था, बाउंड्री 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऐड हो गया, तो ये हो गया हमारा 98 सेंटीमीटर, बोले कोई दिक्कत है। उसके बाद ब्रेथ हम लोग निकालेंगे, ब्रेथ ऑफ टीवी विथ बाउंड्री इक्वल टू क्या होगा, ब्रेथ है हमारे पास 60 और उसमें 4 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 68 सेंटीमीटर। तो एरिया, एरिया ऑफ स्क्रीन विथ बाउंड्री इक्वल टू क्या होगा, एरिया, तो 98 इंटू 68, ओके 98 इंटू 68 आप हो गया है 5664 सेंटीमीटर। देखिए ये विथ बाउंड्री है तो ये ऑब्वियस है कि ये ज़्यादा आएगा, अब क्या करेंगे, अब आप इसको मिटा, तो एरिया ऑफ बाउंड्री इक्वल टू क्या होगा बताइए, ये आउटर वाला एरिया, तो 5664 माइनस 5400 यानी हुए हो गया हमारा 642, तो 6264 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक छूट गया, क्या हो गया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये क्या हो गया, यह सिक्स होगा, सिक्स, ये सिक्स होगा, सब बच्चा खाली कमेंटबाजी कर रहा है, मार खाएगा, ये होगा तो यहाँ वन बचेगा, ए जल्दी से बता दो। चलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो कारपेट का कॉस्ट ना एरिया का लगता है, याद रखिए कारपेट में जो आप बियर करते हैं उसका अमाउंट वो एरिया का निकलता है, तो एरिया यहाँ देखिए, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ कारपेट, देखिए यहां कॉस्ट लगा है, कॉस्ट ऑफ कारपेट
इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कारपेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कॉस्ट लग गया आपको 1600 रुपीज़, 100 या 1000 रुपीज़। आप समझेंगे ये कॉस्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा दिक्कत करता है आपको। तो कॉस्ट ऑफ कारपेट दिया हुआ है आपको 1600, तो आपको मैंने बताया कि रेट इनटू एरिया कॉस्ट होता है, नहीं अभी समझाए, रेट है 10 रुपीज़ और एरिया आपने ले लिया 10 मीटर स्क्वायर क्लॉथ खरीदा है, तो कॉस्ट कितना पे करना पड़ा था, इनटू कर देंगे तो इतना पैसा पे करेंगे, तो ये होता है। तो रेट बोलिए हमारा क्या है, रेट हमने एक्स सपोज कर लिया था, एरिया क्या है हमारे पास 8b है, इक्वल टू कॉस्ट कितना है तो 16,000 रुपीज़। देखिए 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, 1, 2, 3, तो ये हो गया हमारा एक्स इंटू बी इक्वल टू हो गया 2,000। ओके चलिए ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा x इंटू बी इक्वल टू 2,000 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए, उसके बाद कह रहा है अगर हैड द ब्रेथ बीन 1 मीटर लेस तो कॉस्ट हो जाता है क्या 12,000 रुपीज़। तो कह रहा है कि ब्रेथ फाइंड कीजिए। चलिए ये देखिए, अब है हमारे पास कि ब्रेथ को हमने 1 सेंटीमीटर लेस कर दिया, तो ब्रेथ कहाँ था, देखिए कहाँ है ब्रेथ, हमने बी सपोज किया था। अब हमारे पास एरिया ऑफ कारपेट केस टू है, ये क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ कारपेट यानी लेंथ को कुछ नहीं किए हैं लेकिन ब्रेथ को हमने 1 सेंटीमीटर नहीं मीटर लेस कर दिया, यानी बी माइनस वन कर दिया, यानी ये हमारा हो गया 8b और माइनस 8 हो गया, ये क्या हुआ एरिया ऑफ कारपेट हो गया। क्यों, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ को कुछ नहीं किए थे और ब्रेथ को हमने बी माइनस वन किया था, 1 मीटर लेस कर दिया था। ओके तो चलिए अब फिर से हम लोग रेट इनटू निकालेंगे, तो रेट इनटू एरिया इक्वल टू कॉस्ट, तो रेट हमारा तो वही है खरीदना कम है, तो एक्स इनटू एरिया है हमारे पास 8b माइनस 8 इक्वल टू कॉस्ट लग चुका है हम लोगों को कितना 12,000 है ना। देखिए ये इनटू यही रहने देते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ईजी हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया, देखिए ये 8 से ये कैंसिल हो रहा है, कितना में 8 वन जा 15, तो यानी यहाँ पे हमारे पास हो गया बी है ना एक्स बी माइनस एक्स इक्वल टू 1500। अब देखिए यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ एक्स बी आ चुका है, यानी एक्स बी के बदले 2000 रुपीज़ माइनस एक्स इक्वल टू 1500, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू हमारा इस पर आएगा वो उस पर जाएगा, तो 500 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 500। और हमें पता क्या करना था, रेट ऑफ कारपेट ही पूछा था है ना, ऑल्सो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, तो पहला आंसर तो यही हो गया हमारा, तो पहला आंसर हमारा 500 हो गया, दैट इज रेट ऑफ कारपेट, क्या हो गया रेट ऑफ कारपेट, ठीक है ना, रेट ऑफ कारपेट हमारा हो गया 500। अब आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा है ब्रेथ, तो देखिए यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ 8b है और किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, देखिए ये भी हमारा इक्वेशन है और यहाँ भी पजल जैसा इक्वेशन है, तो यहीं पे रख देते हैं हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन है ना। तो चलिए एक्स का वैल्यू आ गया है 500 इंटू बी इक्वल टू 2000 रुपीज़, तो 500 से 4 टाइम्स में ये मल्टीप्लाई हो गया और 4 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका ब्रेथ हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लेंथ ऑफ रूम, यस सर पापा का नाम अजय था, मैं जीनियस हूँ। देखिए 18, लेंथ ऑफ रूम इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, बहुत बढ़िया, देखिए एकदम क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मम्मी पापा बाद में बात कर लेंगे हम लोग, ए बी सी डी नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ रूम इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तो आपको ब्रेथ सपोज करना पड़ेगा, ब्रेथ क्या सपोज करना पड़ेगा, बी आर ई डी थ्री एच,
ब्रेथ ऑफ रूम, बाथरूम नहीं रूम, इक्वल टू एक्स सपोज कर लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू 3 मीटर मोर कह रहा है, तो मोर का मतलब प्लस, तो एक्स प्लस 3 कर दिया। कह रहा इफ द एरिया ऑफ फ्लोर इज दिस, तो एरिया आपको दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको कहाँ गया 70 मीटर दिया हुआ है, 70 लिख दिया, कोई दिक्कत है? और ये भी हमने मीटर में ही सपोज किया है, कोई दिक्कत है? जब ऐसे मीटर लिखेंगे तो ये ब्रैकेट देना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला बोलिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 70। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस इस पर आएगा 70 इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिट करेंगे। देखिए यहाँ है हमारे पास 70 बोले 10 और 7, 70 सब्ट्रैक्ट में 3, वाह क्या बात है, आपको ये भी प्रॉब्लम है नहीं। चलिए माइनस के साथ पहले लिख लेते हैं 10x माइनस 7x माइनस 70 इक्वल टू 0, बीच में प्लस 3 चाहिए तो ये हो गया x प्लस 10 7 x प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 7 एंड x प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 हो गया और x इक्वल टू माइनस 10 हो गया। बच्चों ये माइनस 10 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे पता है, क्योंकि माइनस में कोई भी दुनिया में लेंथ नहीं हो सकता है, इसलिए x इक्वल टू 7 हो गया। आपसे पूछा क्या था, पूछा है पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, तो पहले लेंथ निकाल लो ना, 9 इतना यहाँ तक करने के बाद यहाँ लिखेंगे 9, ठीक है ना, लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो गया 7, फिर लिखेंगे ब्रेथ, सॉरी वही भावनाओं को समझिए, लेंथ ऑफ ब्रेथ, अरे यार लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, तो पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू आप लॉन्ग में लिख लेंगे, क्या होता है 2 × L + D, तो 2L है 7 10, ये हो गया 17 × 2 दैट इज 34 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, भूलना मत मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नती मेरे साथ हो, क्या था पेरीमीटर था, स्क्वायर मत देना बच्चा, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं होता है। 19 नंबर देखिए, कह रहा है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए रोड इतना पर मीटर स्क्वायर, आप समझिए, फिर यहाँ कॉस्ट आया, कॉस्ट से ना डरियो, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए रोड इज इतना पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कह रहा कि फाइंड द कॉस्ट कंस्ट्रक्टिंग ए रोड 5 मीटर ब्रॉड सराउंडिंग ए गार्डन 100 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, चलिए कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड वाह 100 पर 100 मीटर स्क्वायर, आप समझिए, अब आपको कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड कितना 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लग गया उसको 5000 रुपीस, बहुत दिक्कत है 5000 रुपीस, ठीक है ना। तो अब इतना में आपको इतना रुपया देना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए रोड, अब देखिए कह रहा कि 5 मीटर ब्रॉड है, चलिए रोड पहले बना के देखते हैं क्या हो रहा है, ये सपोज रोड इधर भी जाएगा, चलिए ब्रॉड है हमारे पास 5 मीटर, सराउंडिंग ए गार्डन, ये गार्डन कहाँ सा गया, कोई बात नहीं,
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए रोड 5 मीटर ब्रॉड सराउंडिंग ए गार्डन। अच्छा देखिए, एक गार्डन है, देखिए ये गार्डन है और इसके चारों ओर ये वाला छोटका ये गार्डन है और ये वाला क्या है, रोड है। ये क्या है, रोड 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 जिसे मोदी जी चलते हैं, ये रोड है, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है कि गार्डन जो सराउंडिंग है, गार्डन 100 मीटर लॉन्ग है, ये गार्डन जो है 100 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर ब्रॉड है। तो 10 मीटर क्या हो गया, ब्रॉड ये हो गया। अब कह रहा है 5 मीटर का गार्डन है, ठीक है, सिंपल से बात है। देखिए गेट खुल रहा है लग रहा है ना, बहुत दिक्कत होता है। देखिए हमारे पास एक गार्डन दिया, समझिए फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा हमने सोचा कि इजी होगा, अलग टाइप का होगा, लेकिन ये अलग टाइप का है। थोड़ा सा देखिए, देखिए ये हमारा क्या है, गार्डन है, ठीक है। गार्डन का लेंथ है हमारे पास 100। कोई है क्या, ये 100 है, ठीक है। अब कह रहा है 100 मीटर और 10 मीटर ब्रॉड है, तो 10 मीटर ब्रॉड है और इसके चारों ओर आपको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है रोड। रोड टेढ़ा नहीं, ऐसे है, ठीक है ना, रोड है। ये हो गया 5 मीटर है, बोलिए ये इस तरह से बनाए कि नहीं। ये है 5, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 और ये 10 क्या है ना, ये इसका ब्रेथ है, ये गार्डन का ब्रेथ है 10। हो गया, इतनी बातें हो गई। अब ये कॉस्ट आपको दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर का, इतना उसको छोड़ दीजिए। पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रोड का एरिया फाइंड पहले कर लेना है। तो चलिए लेंथ, ये क्वेश्चन आप बनाए हैं, देखिए हम लोगों को ये फाइंड करना है रोड, तो पता है ना ये वाला फाइंड कर लेंगे और होल फाइंड करके ये बीच वाला क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रोड बचेगा। तो लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू क्या हो गया, 100। ब्रेथ समझेंगे, ऑफ गार्डन इक्वल टू क्या हो गया, 10। एरिया क्या हो गया, तो आप जानते हैं कि 100 × 10 दैट इज 1000 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है, 1000 मीटर स्क्वायर हो गया। नाउ लेंथ ऑफ गार्डन विथ रोड, रोड लगाएंगे लेंथ में। देखिए ये 100 यहाँ से यहाँ तक 100 और ये 5 और ये 5, तो 100 + 5 + 5 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा कि नहीं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। उस तरह से ब्रेथ भी क्या हो जाएगा, बोलिए गार्डन का विथ रोड इक्वल टू, देखिए यहाँ से 10 और 5 5, ये वाला ऐड होगा दोनों तरफ का, तो ये 10 + 5 + 5 = 20 हो गया। तो ये क्या हो गया, 20। तो एरिया, एरिया ऑफ गार्डन विथ रोड इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए कहाँ था, लेंथ था हमारे पास 110 इंटू 20 20, ये हो गया 2200, ठीक है, 2200, ये हो गया हमारा। अब आप जानते हैं कि ये एक एरिया ये हमारा हो गया, दूसरा एरिया वो हो गया, ये आउटर है और ये इनर है, तो बोलिए रोड का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ रोड इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए 2200 - 1000, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 1200 है ना। अब कह रहा है, ये समझ में आ गया, मिटाए तो नहीं इसको। अब देखिए लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर है ना ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन है ना, आप लिख लेंगे इक्वल टू है 5000 रुपीज, बोलिए ये वाला है ना 100 मीटर का, तो 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा कॉस्ट, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, बाय 100, ये कैंसिल हो गया तो 50 हो गया, तो आपको कितना कंस्ट्रक्ट करना है 1200, तो 1200 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, तो 50 और इनटू 1200, तो क्या हो गया 6,
जीरो वन टू थ्री 60,000 रुपीज आपको कॉस्ट पड़ेगा, है ना। जब आप रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। 60,000 रुपीज़ इज़ योर राइट आंसर।